शीट नंबर 61 है। क्वेश्चन है, कर्व ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से डाल दिया, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। फोटोन जब गिरता है उसकी वेलोसिटी का उसकी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट, इरिस्पेक्टिव उसकी क्या वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट ही होती है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। तो तुम कितनी भी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला है ही नहीं है। क्लियर है, तुम फोटोन की वेलोसिटी बढ़ा लो या कम कर लो, फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहने वाली है फॉर अ गिवन फोटोन। क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू गिवन है, ई आरएमएस, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। आज हमने किया, हमने फॉर्मूला क्या किया, एवरेज डेंसिटी का ये फॉर्मूला। देखो मैंने तो नहीं किया ये, मैंने फॉर्मूला कौन सा किया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने कौन सा याद किया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। पर क्योंकि आपको क्वेश्चन ई आरएमएस में गिवन है तो पुट कर लो ना, मैंने कहा था याद क्यों करना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट टू ई आरएमएस का स्क्वायर, ये लो, तो बन गया ये फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट पता है, ई आरएमएस पता है आंसर, तो अब दो फॉर्मूले क्यों याद करेंगे, तो एक ही फॉर्मूला याद करेंगे उसी से आंसर निकाल देंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसकी पूछी है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर ना पूछी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी होती, तो मैं इसको डिवाइड बाय टू कर देता, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक की आधी एनर्जी मैग्नेटिक की है। क्लियर है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। के का फॉर्मूला होता है 2π बाय लैम्डा, इसमें तो वेवलेंथ आती है। ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, तो इनडायरेक्टली वेवलेंथ इसमें भी आती है। इसका फॉर्मूला के बाय ओमेगा, याद करो आज फॉर्मूला लिखवाया था, के का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ओमेगा बाय वी, तो के बाय ओमेगा क्या हो गया, 1 बाय वी। देखो वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी हमेशा मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, लेकिन वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो वी सेम रहता है। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था, ये था 1 बाय वी। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी गिवन है, रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेट लॉस चार्ज एट अ रेट ऑफ दिस, dQ/dt गिवन है, कह रहे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। कैपेसिटर की प्लेट में dQ/dt इटसेल्फ ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो dQ/dt करंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, तो कैपेसिटर की प्लेट में इस करंट को क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट ये रहा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लाउड्स आर कंटेन्ड इन अ लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, ये हमने कर लिया। इसके क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ क्या फॉर्मूला था, के बाय ओमेगा, आज कर लिया। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एम्पलीट्यूड ई नॉट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हमने किया था सी क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट, बी नॉट क्या होता है, ई नॉट बाय सी, तो बी नॉट पता है सी पता है, डिवाइड करके बी नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक, मोलिबेडनम इज यूज एज अ टारगेट एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, तो ये याद ही करना पड़ेगा, एक हैवी एलिमेंट है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक्स रे प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा हैवी एलिमेंट चाहिए होते हैं, और मोलिबेडनम याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, रेडिएशन ऑफ 200 वॉट 200 वॉट पावर है इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस विच इज 60% रिफ्लेक्टिंग एंड 40% क्या है, एब्जॉर्बिंग द टोटल फोर्स ऑन द सरफेस। आज मैंने कराया था न्यूमेरिकल, आज हमने किया भी था, फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम बाय सी होता है, आज किया था वो भी हैंड रिटन में, मोमेंटम बाय सी।
तो प्रॉब्लम ये है कि जो तो 40% सरफेस है उसका मोमेंटम तो 40% ही आएगा क्योंकि वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है, लेकिन 60% सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो 60% 0.6 का डबल करना पड़ेगा, मोमेंटम 2p हो जाएगा, तो ये 1.2p हो जाएगा। तो सॉल्व करके p पता है, अब p फॉर सॉरी मोमेंटम नहीं है, p फॉर पावर है, पावर बाय c, तो पावर बाय c करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, इसका पावर बाय सी इसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला पावर बाय सी। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब कहने का मतलब कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सवेल के हाइपोथेसिस में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ यूवी लाइट। यूवी लाइट की वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी 3 × 10⁻⁷, वो टेबल याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पॉइंट सोर्स ऑफ ईएम रेडिएशन, तो वो कह रहे हैं जी पॉइंट सोर्स है ईएम रेडिएशन का, तो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा 13 क्वेश्चन है। पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पॉइंट सोर्स की पावर आपको पता है, ये लो पावर 1500 वॉट्स आपको पता है। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, पॉइंट सोर्स है और कहाँ पे निकालना है, 3 मीटर दूर निकालना है, तो इसका रेडियस है, रेडियस है तो एरिया क्या आएगा, 4π r² एरिया पता है, तो आपको बताना है कि ई नॉट की वैल्यू क्या है। देखो आपको एरिया पता है, आपको पावर पता है, तो आपको ई नॉट निकालना है इसमें। आप बस ये बताओ कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या किया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, ऐसे था एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी आई थी। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड यानी कि पावर डिवाइडेड बाई एरिया, ये आपकी इंटेंसिटी है। आपको सी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, पावर भी पता है, एरिया भी पता है, ई नॉट आ गया आंसर। तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, वहां से आंसर आ गया, ई नॉट आ गया। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंडिकेट्स इन फिगर, तो है नहीं इसमें, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड डी बाई डी टी क्या है। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये था, कंप्लीट फिगर नहीं है, वो कह रहे हैं ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इसमें मान लो डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है और आप यहाँ पे बी निकालते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ऐसी फिगर है। तो इमेजिन करो डिस्प्लेसमेंट करंट वायर में जा रहा है, इमेजिन करना है, तो बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाई 4π 2 × डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाई आर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4π × 2 / r इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू d φ/dt, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब इसके अंदर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π × 2 / r इंटू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया, सर्कुलर प्लेट्स हैं और क्या बच गया, डी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी बाई डी टी निकाल लेना, ही आंसर है, ऐसा कुछ के बना है। तो पहले बी का फॉर्मूला, बी के फॉर्मूले को
डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में यूज़ कर लिया और डिस्प्लेसमेंट करंट को लिख लिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, वहाँ से डी बाई डी टी अपने आप आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? फिगर मिसिंग है, फिगर कुछ ऐसी केवल है। तो आइडिया क्लियर है इसमें कैसे करना है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटोन्स का कॉन्सेप्ट है, ईएम वेव का कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं करते, ठीक, क्योंकि लाइट को माना जाता है कि फोटोन्स की बनी हुई है, वेव्स की नहीं बनी हुई। प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी पता है और वेव कैसे ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है अलोंग वाई डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड पक्की बात है कैसे आएगा, जेड में, एक एक्स में एक वाई में और एक जेड में। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ई पता है आपको, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई बी, ई आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि पहले डायरेक्शन चेक कर लेनी है, एक एक्स में है एक वाई में है तो तीसरा जेड में है, और ई का फॉर्मूला पता है तो बी तो आप वैसे भी निकाल ही सकते हैं। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ, ध्यान से पढ़ना क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, अब देखो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है तो आपका आंसर 1/4 में जाएगा, क्योंकि वैसे टोटल क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, पर वो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक की डिवाइड बाय 2 कर देना, आधी इलेक्ट्रिक की है, डी ऑप्शन है, ध्यान से। एक्स रेज आर प्रोड्यूस बाय जंपिंग ऑफ बी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, वो तो एक्साइटेशन से है। स्पीड ऑफ ई एम वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स रेडिएशन, तो इट इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, वो कह रहे जी जो स्पीड है ना वो मीडियम पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, तो मीडियम चेंज होगा तो सी चेंज होगा, नहीं तो सी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियरली पोलराइज प्लेन वेव, देखो लीनियरली पोलराइज वेव ऑप्टिक्स का काम है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज, बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल एफ, देखो दो आधी आधी चीज़ें, आधे इलेक्ट्रिक होते हैं आधा मैग्नेटिक होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू मानी जाती है, तो 50-50% है इसमें। रडार सेंड द वेव टूवर्ड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड रिसीव द सिग्नल वापस, तो कौन सी वेव यूज़ करते हैं रडार में, एनसीईआरटी में बहुत यूज होता है माइक्रोवेव, एक्सरे क्यों नहीं यूज़ करते, वो पेनिट्रेट कर जाएगी आपके प्लेन को, ठीक है, तो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज एमिटेड बाई अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी गर्मी छोड़ती है, इंफ्रारेड रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो ये हमने किया हुआ है, हमने ऐसा किया हुआ है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ये स्पीड है, और स्पीड का फॉर्मूला ये भी होता है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ गया, स्पीड के दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। ठीक, दी फ्रीक्वेंसी 1057 मेगाहर्ट्ज ऑफ रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम टू क्लोज एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन बिलोंग्स टू, याद करना पड़ेगा 1057 मेगाहर्ट्ज इंफ्रारेड रेज हैं, ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी का। इफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और परमेबिलिटी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम में ये स्पीड है, मीडियम में म्यू और एप्सिलॉन हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही। एक्सरेज आर नॉट यूज फॉर रडार पर्पस बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, टारगेट उसे वापस नहीं भेज पाएगा, उल्टा पेनिट्रेशन हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये बताना है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव क्या होगी, देखो फॉर्मूला याद कर लो, वी का फॉर्मूला पहली बात तो हमने एनसीईआरटी में किया था, वी जो वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव है वो ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है, वेव प्रोपेगेशन ई क्रॉस बी के पैरेलल है, और डिवाइड बाय ई स्क्वायर नहीं होगा बी स्क्वायर होगा, पता है क्यों, देखो बी से बी कैंसिल करो तो वी क्या बनेगा, ई बाई बी, और ई बाई बी तो होता है, तो
तो इसलिए डिवाइड बाय बी स्क्वायर आता है, ई स्क्वायर नहीं आता। सही है यहां तक? ये हमने किया नहीं हुआ, इसका आंसर सीधा याद करना पड़ेगा आपको। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन वेक्टर हमने किया नहीं है, इसका आंसर सीधा याद करो। पोलराइजेशन वेक्टर पी है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये मेरी असाइनमेंट में है, पेपर में आया भी नहीं हुआ वैसे, पर फिर भी बुक्स में था तो मैंने लिख लिया। ऑर्डर आप कर लोगे, एक्सरे, रेडियो और माइक्रोवेव का ऑर्डर अरेंज करना है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, किसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ बड़ी है, किसकी छोटी कर लेना। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो हमेशा क्या होता है, के। तो के की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और के होता क्या है, 2π/λ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, लैम्डा। आंसर क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये इक्वेशन है, ई और बी की इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ट्रू है ये बताओ। हम किया हुआ है हमने ये, कैसे, ये देखो, ई नॉट बाय बी नॉट फर्स्ट ऑप्शन, ओमेगा बाय के है, और ओमेगा बाय के क्या होती है, वेलोसिटी, आज किया था हमने, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के या ई नॉट बाय बी नॉट इज द आंसर। क्लियर है? तो आज के फॉर्मूलाज के साथ ही सब कुछ चल रहा है। इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, फिर से आ गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो याद करो, अभी अभी मैंने वो एक क्वेश्चन याद करवाया था कि आप ये याद ही कर लो। क्वेश्चन कहाँ गया वो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का ये फॉर्मूला था, आपके नए क्वेश्चन में पोलराइजेशन वैक्टर गिवन ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जो होता है वो मीडियम में ये होता है, और एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन मार्क कर लेना। अब मेरी असाइनमेंट में है तो मैंने मार्क कर दिया, आया नहीं हुआ ये नीट और मेंस में, पक्की बात है कि सिलेबस में नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में के ही नहीं है, और फिर भी पता ही लगता मार्क करने को आ जाए, कम से कम देख ही लो। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किया हुआ है हमने, ई और बी आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। नेक्स्ट है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन हैज अ वेवलेंथ ऑफ, द वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ई की वैल्यू गिवन है, ई नॉट गिवन है। इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा 66 से, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो, आंसर डी ऑप्शन है, कुछ ठीक क्वेश्चन बना नहीं उससे। तो ई की वैल्यू जो है वो 66 इंटू समथिंग होगी, ऑब्वियसली तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, आंसर यहाँ से स्टार्ट है। 35 में लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वेव प्रोपगेशन वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो बी वेक्टर पक्का किस में होगा, जेड में होगा। डायग्राम गिवन भी आपको इसमें, मेरे में डायग्राम मिसिंग है, आपके इसमें गिवन होगा। तो ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।